सर फिर तो हमारी फैमिली को डॉक्यूमेंट नहीं मिलती होगी यहाँ पे। सर इसका वादा करता हूँ मैं ऑनर होके कि पहले आके अपना डॉक्यूमेंट बनाइए, उसके बाद में पेमेंट करो और मकान बनाओ। सर सिर्फ 5,000 रुपए डाल के आ जाना, उसके बाद अपना मकान बना लेना, उसमें रहने के बाद में हमारा पेमेंट करना। इस तो मिल जाता आपको अमृता हॉस्पिटल, जो कि दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो कि बिल्कुल दोस्तों साइड के से कुछ ही दूरी पे होने। सर इतना सस्ता क्यों दे रहे हो नोएडा में प्लॉट? सर ऑलरेडी मालिक मैं हूँ इसका, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रखे हैं, डायरेक्ट डील करोगे मालिक से। सर आप तो फिर यहाँ पे कैश में दे रहे होगे जमीन? नो सर, ये किस्तों पे है, 3 साल का टाइम है। पक्की बात है सड़के देते होगे छोटा 10-5 फुट के? सर नहीं, 33 फीट की सड़के हैं और जो सबसे छोटी रोड है हमारे पास वो है 18 फीट की, सबसे छोटी। सबसे छोटी 18 की है? 18 फीट। लेके आज को शिव रियल एस्टेट में और यहाँ पे मिलने वाले दोस्तों आपको प्रॉपर्टी नोएडा के अंदर। जी हाँ दोस्तों सही सुना, नोएडा के अंदर। और हमारे साथ इस कंपनी के ओनर शिव सर हैं। और सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। तो सर आज जो है नोएडा के किस लोकेशन में आप प्रॉपर्टी देने वाले हमारे फैमिली को? देखिए सर अपनी जो ये प्रॉपर्टी है जो हम फैमिली को देने वाले हैं वो अपनी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में लगती है, गाँव दलीलपुर है। अच्छा गाँव दलीलपुर है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर लगती है? गौतम बुद्ध नगर के अंदर, यूपी की जमीन है। ओके। और पक्की रजिस्ट्री के साथ है। तो सर यहाँ पे जो आपने कहा पक्की रजिस्ट्री जी, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है हम जानते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। देखिए सर बिल्कुल, आप देखिए रजिस्ट्रियाँ जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, देखिए ये 23 की रजिस्ट्री करा रखी है मैंने, ठीक है, बाकी रजिस्ट्रियाँ मेरे नाम है जो मैंने और क्लाइंट। आप ही हैं सर? जी क्या बात है। जी ये रजिस्ट्रियाँ हमने करा रखी है क्लाइंटों की, ये क्लाइंटों की रजिस्ट्री है मेरे पास। अच्छा ये सारी जो है रजिस्ट्रियाँ क्लाइंट की है और ये आपके नाम की रजिस्ट्री है? जी ये रजिस्ट्री की। जी जी ओके, तो मतलब कि रजिस्ट्री और मोटेशन दोनों ही मिलेगी ना हमारे फैमिली को? बिल्कुल कंप्लीट। तो सर बात करते हैं अगर हमारी फैमिली यहाँ पे आती है तो आपकी ऑफिस कहाँ पे है और कहाँ पे आना होगा? ये हमारा ऑफिस है अपना फरीदाबाद है, ठीक, वसेलवा कॉलोनी है, बाईपास रोड के बिल्कुल पास, जो फरीदाबाद बाईपास है यहाँ पे? जी बिल्कुल, खेड़ी पुल के पास में। खेड़ी पुल के पास में? जी बिल्कुल। तो आसपास में मेट्रो स्टेशन भी है क्या कोई? जी अपना मेट्रो स्टेशन लगता है ये अपना बड़कल वाला। अच्छा मतलब कोई भी दिल्ली से कहीं से आना चाहे तो बड़कल मेट्रो स्टेशन आप कॉल कर ले, आप रिसीव कर ले? हम वहाँ से रिसीव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखो आप अगर आना चाहो तो मेट्रो स्टेशन आकर के जो है आप वहाँ से कॉल कर सकते हो। बाकी सर ने डॉक्यूमेंट दिखाया, तो सर हमारी जो लोकेशन है उसके आसपास में जो है कौन कौन सी फैसिलिटी, आसपास में कोई हाईवे कनेक्टिविटी मार्केट ये सब चीज़ें मिलेंगी? जी बिल्कुल, वहाँ से अपना ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की दूरी पर जो भी बंदे को सुविधा चाहिए वो सारी अवेलेबल होगी। A to Z सुविधा है? A to Z सुविधा, लेके हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज, ठीक। तो सर आपके प्रोजेक्ट पे मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहला जो है मेरा सवाल आ जाता है कि आपके यहाँ जो है सड़कें जो है कितने फुट की होती है बेसिकली? जी देखिए अगर हमारा जैसे बड़ी कॉलोनी है जो हमारी, इसमें मेन रोड हमने रखा है 33 फीट का, जो मिनिमम रोड होंगे वो 22 फीट के होंगे, गलियाँ वो 18 फीट की हैं। 18 फीट की होंगी? जी। तो दोस्तों चलते हैं एक बार जैसा कि सर ने बताया, चल के साइड पे देखते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटी और क्या कुछ सर जो है हमारे फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी तो आज आपके लिए फार्म हाउस लेके आ चुके हैं, फाइनली साइड पे आ चुके हैं और हमारे साथ शिव सर। और सर क्या हाल चाल है जी? बस बढ़िया सर, आप सुनाइए। तो सर जो हमने पहली वीडियो आपकी जो बनाई थी इससे पहले उसमें कैसा रिस्पॉन्स हमारी फैमिली की? देखिए उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स था और बहुत से लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, बहुत जुड़ चुके हैं बहुत लोग। अच्छा काफी लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सर अब बात करते हैं अगर हमारी फैमिली आज के टाइम सोच रही है भाई साहब दिल्ली के पास या दिल्ली NCR में नोएडा के पास हम तो प्लॉट ले नहीं सकते, क्या ये सच है झूठ है? भाई साहब ये बिल्कुल मैं कहता हूँ वो हमारे पास आइए हम देंगे प्लॉट। अच्छा जी जी। तो सर बात करते हैं, आप कह रहे हो कि सर ये दिल्ली NCR में आता है, दिल्ली NCR से बाहर में ये प्लॉट हमारी? दिल्ली NCR में आता है सर ये। तो सर कौन सी जगह है दिल्ली NCR की? ये अपना पास में लग जाता है ये अपने जैतपुर वगैरह। अच्छा जैतपुर और कौन कौन से लग जाते हैं? ये खड्डा कॉलोनी हो गया, इस्माइलपुर हो गया, ठीक है, ये अपने आसपास में ही है बिल्कुल, यहाँ से आप ज्यादा ज्यादा 6 से 7 मिनट की दूरी पे ही है। 6 से 7 मिनट की दूरी पे ऑनली सर। तो सर बात करते हैं जो हमारी लोकेशन है दिल्ली NCR के कौन सी जगह पे है ये? ये देखिए सर वैसे जमीन यूपी है, ग्रेटर नोएडा है ये। सर ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर आता है हमारा? यूपी के अंदर आता है। Okay. बाकी अपना बिल्कुल नजदीक ही है दिल्ली से, दिल्ली से 5-6 मिनट के अंदर जी है। बिल्कुल ऑनली बताया मैंने आपको 6 किलोमीटर के ऑनली। अच्छा तो सर मैं देख पा रहा हूँ इधर जो फार्म हाउस बन रहे हैं, सामने मंदिर है, घर जी, है जी। मकान है, इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही, क्या राज है यहाँ का? यहाँ का सर ये है कि रेट बहुत ही मिनिमम है, रेट बहुत जायज है। अच्छा तो कैश का काम है, किस्तों का भी काम है सर? यहाँ किस्तों का काम है और अधिकतर जो डेवलपमेंट का जो कारण है वो इसीलिए है कि बंदा नॉर्मल अपना हिसाब किताब बनाए। अच्छा और सिर्फ 5,000 रुपए लेकर आए और अपना मकान बनाना स्टार्ट करे। अच्छा जी जी बिल्कुल, पक्की सिक्योरिटी है ये? बिल्कुल पक्की सिक्योरिटी है ये। तो भाई साहब दिल्ली NCR के बिल्कुल टच में पहला बंदा ऐसा मिला जो कह रहे कि भाई साहब आ जाओ बना लो जी, कोई दिक्कत नहीं है जी बिल्कुल। तो शिव सर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हमारी फैमिली यहाँ आती है तो ढूंढती है भैया हमारे पास रोजगार नहीं है, हम रोजगार कहाँ करेंगे, तो रोजगार के लिए कुछ है जगह यहाँ पे? रोजगार के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि आप देख रहे हैं हर तरह का बंदा रोजगार कमा सकता है यहाँ। अच्छा मतलब सारी जो सामने दिख रही है सामने फैक्ट्री है, सारी एरिया है, बहुत
दोस्तों इधर देख लो, क्वालिटी की सोसाइटी बनी हुई है ये। अच्छा तो ये पूरी जो दोस्तों नोएडा, आपको पता अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जो है इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ पे एक नहीं हजारों कंपनियां हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आप अगर आते हो तो रोजगार भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब बात करते हैं यहाँ पे जो है सर, जैसा कि आपने बताया रोजगार के बारे में, अगर हमारी फैमिली यहाँ पे आती है जी, तो यहाँ पे आसपास से मार्केट कितनी दूरी पे मिलेगी? देखिए सर, अगर नॉर्मल मार्केट की बात करते हैं तो आप 100-200-300 मीटर की दूरी पे आसपास अच्छा, में मार्केट पास में मिल जाएगी जी। अच्छा जी, उसके बाद में अगर नेशनल बड़ी अगर मार्केट की बात करते हैं तो वो यहाँ से 5-7 मिनट की दूरी पे है। अच्छा, जो बड़ी मार्केट जहाँ पे शादी ब्याह की जो खरीदारी करते हैं वो 5-7 मिनट की दूरी पे हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो आप क्या बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आप अपने साइड पे क्या क्या जो है सुविधाएं हमारी फैमिली को करके दे रहे हो, इसके बारे में बताइए। पहला पॉइंट रोड कंपनी करके देगी, दूसरा पानी कंपनी करके देगी, बिजली कंपनी करके देगी। इसमें हमारे क्लाइंट का कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात, इसमें उन्हें कुछ नहीं देना है, इसमें कुछ भी नहीं देना, कुछ नहीं देना, ये कंपनी की जिम्मेवारी होती है। तो सर बात करते हैं यहाँ पे जो आपकी कंपनी कह रहा है, आपकी जो कंपनी की सारी जिम्मेवारी है, तो सर इस कंपनी की एक और जो जिम्मेवारी होती है वो होती है सड़कों को लेकर जी, जो कंपनियां काफी छोटी दे देती है। तो अपने सड़कें कितनी फुट की होंगी? देखिए सर, हमारे अगर रोड की बात करते हैं 18 फुट का रोड ये गली है। अच्छा जी, इसके बाद 22 फुट का रोड, ये 18 फुट की है, ये 18 फुट की गली है। अच्छा जी, इसके बाद 22 फुट का रोड है। अगर मेन रोड की बात करते हैं तो वो 33 फुट रोड है, जो मेन रोड है 33 फुट का जो आप देंगे जी। तो यहाँ जो देख रहा हूँ जो घर मकान यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे कितने गज में बने हुए हैं घर मकान? सर, जैसे आपने एक बार पहले भी बोला था कि भाई जो बंदा 20 गज लेना चाहता है उसके पास इतना बजट नहीं है, उसी बजट में हम उसको 50 गज दे रहे हैं। और आपके सामने है, देखिए 50 गज में एक फैमिली कितने बेहतरीन तरीके से रह सकती है। तो दोस्तों देख लो, कहना मत, ये देखो कितना बढ़िया जो है लोग अपना घर मकान बना रहे, जो है बहुत अच्छी तरह से एक फैमिली इसमें आराम से गुजारा कर सकती है। अच्छा, तो मतलब लग रहा है इसमें फैमिली रहती भी है जी, अभी मतलब रहना स्टार्ट करेंगे अभी। अच्छा जी, बाकी तो ये बराबर में एक और बनाना स्टार्ट कर दिया, ये भी बना रहे हैं। ओके जी, तो ये भी बन रहा, मतलब काफी बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देखिए इस तरफ सारी ये बाउंड्रियां हुई पड़ी हैं जो। अच्छा, मतलब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं लोग। हाँ, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। ओके, तो शिव सर आपने इतनी सारी सुविधाएं बताई हमारे फैमिली को, तो सर आपके पास सबसे छोटा प्लॉट कितने गज की है परिवार के? सबसे छोटा प्लॉट है तो बात करते हैं 50 गज का प्लॉट है, मतलब जितनी भी 50-50 गज की प्लॉट है, जो सबसे छोटा प्लॉट है वो 50 गज का है। अच्छा जी, तो सर बात करते हैं अगर हमारी फैमिली आती है तो ढूंढते भैया पड़ोसी आसपास में बसावट, बसावट तो दिखा दो हमारी फैमिली को। देखिए सर, थोड़ा सा इधर देखिए आप, ये बहुत बड़ी कॉलोनी बसी हुई है सामने, ये जो सामने पूरी कॉलोनी है बसी हुई है जी, कॉलोनी बसी हुई है। क्या बात है, बात करते थोड़ा सा यहाँ पे चलते ही अपना मार्केट है, जो नॉर्मल मार्केट है। अच्छा, जो छोटी मोटी जो चीजें सामने ही मिल जाएंगी, सब अवेलेबल हो जाएंगी। क्या बात है, उसके बाद क्या है सर, हमने इस वाली साइड को देख रहे हैं, पहले आपने जब बड़ा वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ ये रोड कच्ची बनाई थी हमने। हाँ जी, हाँ जी। आप उसके बाद हम डेवलप स्टार्ट कर दिया है, हमने खंबे वगैरह लगवा दिए हैं क्योंकि उस काफी बंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, मतलब खंबे वंबे सब लगवा दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, आप है? देख रहे हैं तार लाइन चालू है बिजली की। अच्छा, कनेक्शन दे रखा सामने से, वहां से कनेक्शन दे रखा है हमने। क्या बात है दोस्तों, तो काफी दोस्तों आपको जो है सुविधाएं यहाँ पे जो है धीरे धीरे कंपनी जो है करती जा रही है और आपको दोस्तों जो है मिलती जा रही है आपको यहाँ पे जो सुविधाएं। तो शिव सर अब बात करते हैं हमारी फैमिली को जो है यहाँ पे आने के बाद कितने टाइम की किस्तें देनी होगी या कैश में दोगे आप? देखिए सर, नो बिल्कुल अपना कैश का मतलब काम ही नहीं, मतलब इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट ओनली, सीधा किस्तों में, सीधा किस्तों में देना है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। सिर्फ 5,000 रुपए घर से बंदा डाल के लाए और अपना मकान बनाना स्टार्ट करे। आप देख रहे हैं रोड बिजली पानी की जिम्मेवारी हमारी कंपनी दे रही है। बिल्कुल जी, ठीक है सर। फिर भी अभी मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारी जो फैमिली है ना वो इंतजार करती है ऑफर की, दीपावली आ रहा है, कुछ ऑफर ऑफर तो निकाल दो। देखिए सर, इसके लिए बिल्कुल ऑफर रखेंगे हम, इसके लिए बिल्कुल ऑफर रखेंगे। अगर उसमें अगर मान लो दिवाली से अगर पहले पहले अगर जो बंदा लेता है तो उसके लिए रेट, जिसके बाद हम जब इसको डेवलप करेंगे उसके बाद देखिए सर रेट हम भी बढ़ा देंगे। बिल्कुल, तो अभी जो प्राइस है अभी तक के लिए, अभी दीपावली तक के लिए, उसके बाद यहाँ की रेट बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगी सर। दोस्तों देख लो, ये प्राइस अभी के लिए है क्योंकि डेवलपमेंट भी हो रही है जी। तो दोस्तों जब इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो कॉमन सी बात है कॉस्ट भी बढ़ने वाला है, तो अभी जो भी आ जाएंगे इसी रेट में मिलेगा ना? अभी जो भी आएंगे बंदे हमारे इसी रेट में मिलेगा उनको। और दोस्तों अगर आप में से किसी फैमिली को आना हो तो कहाँ आना होगा, कहाँ पे है आपका ऑफिस? ऑफिस है अपना मैन फरीदाबाद खेड़ी पुल के नियर। मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा जी? ये अपना बड़कल मेट्रो स्टेशन होगा। अच्छा जी, और वहाँ बंदा उतर के मुझे कॉल करे, हमारी गाड़ियाँ रिसीव खुद कर ले। तो डॉक्यूमेंट में आपकी कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कर रही है? देखिए सर, अगर बात करते हैं वो जो 5,000 रुपए देके उसमें एग्रीमेंट करा देंगे, अगर 25% बंदा का वो देता है ठीक है तो उसके लिए रजिस्ट्री करा देंगे, उसे रजिस्ट्री हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, तो रजिस्ट्री करवाओगे, मोटेशन भी मिलेगा अपनी जगह की? बिल्कुल, जब रजिस्ट्री होगी सर मोटेशन भी कराएंगे, मोटेशन भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सारी चीजें अगर हमारी फैमिली जो है काफी ज्यादा, जो आजकल आपको पता मार्केट के अंदर बहुत सारी फ्रॉड हो रही है। देखिए सर, फ्रॉड से बचें, मैं तो यही कहूंगा हाथ जोड़ के निवेदन अपनी गरीब परिवारों से कि फ्रॉड से बचें। तो सर कैसे बचेंगे ये भी तो बता दो। देखिए सर, पूरी जानकारी लें, प्लॉट कहीं से ले पर पूरी जानकारी के साथ लें,
ठीक है पूरी कंप्लीट करें, दिल को तसल्ली हो जब सौदा करें। तो आप पूरी जानकारी दोगे? बिल्कुल, मैं तसल्ली, मैं ऑनर हूँ और मैं सामने बैठ के क्लाइंट से डील करूंगा। ये जमीन आपकी है, इसकी रजिस्ट्री भी दिखा दोगे? बिल्कुल दिखा देंगे। अच्छा जी, तो दोस्तों देख लो सारी डिटेल देख के, जांच पड़ताल करके, जैसा सर कह रहे हैं कहीं भी लोग किसी का पैसा बहुत मेहनत की कमाई होती है दोस्तों, पता करके आए देखे और उसके बाद प्लॉट ले यहाँ पे। तो सर यहाँ विजिट चार्ज तो कुछ नहीं है ना? नो विजिट चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आओ, और जिस भाई ने भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लेना दोस्तों, और फॉलो भी कर लो क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो दोस्तों जब तक के लिए राधे राधे।